हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लैब सॉल्यूशन में बैकअप और रिस्टोरेशन कैसे होता है, मैनुअल प्रोजेक्ट बैकअप एंड रिस्टोरेशन। तो सबसे पहले लॉगिन कीजिए अपने लैब सॉल्यूशन में। अभी एडमिनिस्ट्रेशन विंडो में बैकअप एंड रिस्टोरेशन करके दो टैब होंगे, तो आपको बैकअप करना है प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले बैकअप में जाइए। आप देख सकते हो लॉग और प्रोजेक्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लॉग एंड ऑल एप्लीकेशन लॉग, प्रोजेक्ट एनालिसिस डेटा एंड रिलेटेड एप्लीकेशन लॉग। आप लॉग का भी बैकअप ले सकते हो और प्रोजेक्ट का भी बैकअप ले सकते हो। अभी हम इसमें प्रोजेक्ट का बैकअप लेते हैं, तो अपने को आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना रहेगा कि आपको कितने कितने प्रोजेक्ट का बैकअप लेना है। तो हमें सिर्फ यही प्रोजेक्ट का बैकअप लेना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और रीज़न फॉर डेटा बैकअप, आपका क्या रीज़न है बैकअप लेने का? मंथली बैकअप ले रहे हो, पीरियडिक बैकअप ले रहे हो? रीजन टाइप करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, अभी डेस्टिनेशन फोल्डर, आपको कौन से फोल्डर में अपना बैकअप स्टोर करवाना है, तो अपने सिलेक्ट किया हुआ है ऐप ड्राइव में बैकअप वन करके, और डिस्क स्पेस पर फोल्डर, आपको वो फोल्डर को कितना स्पेस देना है बैकअप के लिए, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट में डेटा ज़्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। तो मैं इधर 1.5 GB दूंगा। और पीरियडिक बैकअप डेटा, अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर डेटा का पूरा बैकअप नहीं लेना है, पर्टिकुलर मंथ का लेना है, आपको पर्टिकुलर डेट का लेना है, तो उसके लिए आप उधर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको बैकअप लेना है। अगर आपने पहले बैकअप ले लिया हो प्रोजेक्ट का कुछ डेटा का, उसके बाद आपने कुछ डेटा रन किए हुए, तो आपको उसका लेना है, तो वो डेट से लेके आप वो डेट तक आप बैकअप ले सकते हो। अगर आपको पूरा बैकअप लेना है तो आपको उसको टिक करना रहेगा। हम इसमें पूरा बैकअप लेंगे, आपको पासवर्ड देना रहेगा एट द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन, या आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो हम पासवर्ड देते हैं। और डिलीट सोर्स आफ्टर बैकअप, ये अपने को टिक नहीं करना है। ये टिक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका जो प्रोजेक्ट सोर्स है वो डिलीट हो जाएगा बैकअप के बाद, ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, अभी आप स्टार्ट करोगे तो आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। वो कुछ टाइम लेगा इस पर आपके प्रोजेक्ट में कितने डेटा है, अगर ज़्यादा डेटा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सक्सेसफुली ओके। अभी रिस्टोरेशन के लिए आप जाओगे तो रिस्टोरेशन में आपको जो सोर्स फोल्डर है वो सिलेक्ट करना रहेगा। बैकअप वन, अभी MDB फाइल आपका सिलेक्ट करना रहेगा। और नेक्स्ट, पासवर्ड जो हमने बैकअप के टाइम दिया था तो आपको देना पड़ेगा, तभी वो रिस्टोर होगा। रीजन दे दो और स्टार्ट। सक्सेसफुली, तो ये था प्रोसेस मैनुअल प्रोजेक्ट बैकअप एंड रिस्टोरेशन का। तो इस तरह से आप बैकअप और रिस्टोरेशन कर सकते हो लैब सॉल्यूशन में। और हमने हमारे चैनल पे और भी वीडियोस डाले हैं, जैसे कि मेथड, हाउ टू क्रिएट मेथड, हाउ टू क्रिएट बैच, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट यूजर, डेटा मैनेजर एंड ओवरव्यू ऑफ लैब सॉल्यूशन। तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।